चैनल। सो आपको वीडियो के थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी व्हाट आर सम गोल्ड कॉलर जॉब इन इंडिया। अब आप लोग बोलोगे कि व्हाइट कॉलर तो सुना था, ग्रे कॉलर भी सुना था, अब ये गोल्ड कॉलर क्या होता है? तो बेसिकली मैं वो सेट ऑफ जॉब को गोल्ड कॉलर जॉब बोल रही हूँ जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। बेसिकली आपका जो सैलरी होगा वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो अभी मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कुछ बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो में कुछ ऐसा कमेंट आएगा कि सबसे ज्यादा अर्निंग स्टार्टअप में है, सबसे ज्यादा अर्निंग बिजनेस में है, सबसे ज्यादा अर्निंग फलाना ठिकाना में है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जॉब्स का बात कर रही हूँ, बिजनेस का बात नहीं कर रही हूँ। एंड जहां तक बात रही बिजनेस का, तो बिजनेस में कुछ चीज मैटर करता है जो सबके पास नहीं होती है। कई बार क्या होता है, प्रिविलेज मैटर करता है। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों की जो बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट करके बहुत बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा कर चुके हैं, बट वो बहुत ही रेयर होते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूँ कि एक मैं अगर गोल्ड कॉलर जॉब को लेती हूँ, तो उसमें अगर सक्सेस का रेट अगर 50% है, लेट्स से उसमें सक्सेस का रेट 10% है ओनली, तो वही केस पे अगर मैं बिजनेस को देखती हूँ तो यहाँ पे सक्सेस का रेट 0.00001% है। ऐसे बोलूँ तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो भी एक स्टार्टअप खोली सब कोई यूनिकॉर्न बन जाएगी, सब कोई स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन जाएगी। एंड जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न भी बन गई है ना, जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टअप के फाउंडर वहां से बहुत ही ज्यादा अपना मनी मेक कर रहे हैं। हाँ, उस कंपनी का वैल्यूएशन होता है जो भी होता है, यूनिकॉर्न जो बन रही है ना वो कंपनी का वैल्यूएशन होता है, वो स्टार्टअप के फाउंडर का वर्थ नहीं होता है। मतलब अगर वो स्टार्टअप का फाउंडर उसमें से कुछ पैसा निकालना चाहे तो उसे अपना शेयर डाइल्यूट करना पड़ेगा, जो कि कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन इन केस ऑफ जॉब आपको डायरेक्ट सैलरी मिलती है। तो चलो मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाती हूँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आती है गोल्ड कॉलर जॉब में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है मेडिकल सेक्टर। सो मेडिकल सेक्टर में क्या होता है, जो है सर्जन्स होते हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा अर्न करते हैं, तो इसलिए मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे डाल रही हूँ मेडिकल सेक्टर। सो सेकेंड नंबर पे मैं डालने वाली हूँ जो आप सबका फेवरेट है, एंड आई थिंक कि हमारे जो व्यूअर्स है वो सबको ही इस सेक्टर में आते हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाईएस्ट पेइंग जॉब इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड मानी जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये लिस्ट को कम्प्लीट करना है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसी डोमेन है जहां पे आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो। मैं बहुत सारे सिर्फ फ्रेशर्स को जानती हूँ जो डायरेक्ट कॉलेज के बाद जॉब ज्वाइन करे हैं और वो 2-3 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक एंड ऑल दैट। अगर आप स्टॉक ये सब को जोड़ दो तो अगर आप उसको मंथ में अगर आप देखो स्टॉक ये सब अर्निंग ये सब जोड़ करके, तो वो हो जाएगा 3-4 लाख और 4-5 लाख हो जाएगा, इतने ज्यादा कमा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है, एंड इस बात को आप अंडरएस्टिमेट मत करना। चलो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात चली गई है ना, तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं ऑफन देखती हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने लाइफ में ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घर पे जाते हैं, विलेज पे जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डार्क साइड बताते हैं, कभी भी पॉजिटिव साइड नहीं बताते। वो लोग बोलेंगे कि नहीं लगता है जॉब, 3 लाख का जॉब लगता है, 25,000 पर मंथ का जॉब लगता है, 10,000 पर मंथ का जॉब लगता है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि भाई 5 लाख पर मंथ का भी जॉब लगता है। एंड ऐसे ही वो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का माइंड वॉश कर देते हैं, एंड ब्रदर एंड सिस्टर कुछ और डोमेन चूज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन को छोड़ करके। अब मैं बताती हूँ, कभी वो ना इनडेप्थ नहीं सोचते हैं। अगर वो अपने ब्रदर को रिकमेंड कर रहे हैं कि यार इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा जॉब मिलती है, बहुत कम जॉब मिलती है, 3 लाख पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, 99% लोग 3 लाख पर मंथ 3 लाख पर ईयर पे वर्क कर रहे हैं, लाइक 25,000 पर मंथ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि उनके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन को छोड़ करके वो ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर देंगे या कोई भी अदर फील्ड में चले जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में वो जो 3.5 लाख पर ईयर की जॉब लग रही है वो भी नहीं लगती है अगर आप अदर डोमेन में जाओ तो। अगर कोई पर्सन सिंपल बीएससी ये सब करा है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है 3.5 लाख पर ईयर के भी जॉब लेने का,
ये आप लोग को बहुत इजीली मिल जा रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का 5-6 बैक रहता है कॉलेज में, फिर भी उन लोगों को 3.5 लाख एलपीए का जॉब लग जाता है। लेकिन एक ग्रेजुएशन, कोई पर्सन ग्रेजुएट करा है साइंस डोमेन से, उसका वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है ना, फिर भी कई केस में होता है ऐसा कि उनका जॉब नहीं लगता है। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि किसी का माइंड वॉश करने से पहले, किसी को आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डार्क साइड बताने से पहले ये सोच लिया करो कि वो पर्सन अगर ये डोमेन को नहीं चूज करेगा या करेगी तो और कौन सा डोमेन को चूज करेगा या करेगी, एंड उस डोमेन में कैसा लाइफ होगा एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन। एंड अगर आप कोई स्टूडेंट हो या अभी आप किसी भी अपने भैया दीदी एंड चाचा चाची से ये सब सुने हो कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैं पहले आपको बता दे रही हूँ सॉफ्टवेयर डोमेन एक ऐसी डोमेन है जहां पे आप 5-10 बैक लाकर भी 3.5 लाख पर एनम की जॉब ले सकते हो। एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म किए तो आप तो आराम लाखों एंड करोड़ों में कमा सकते हो, लेकिन बिल्कुल लोएस्ट परफॉर्म करके भी आप 3.5 लाख का जॉब ले सकते हो पर एनम। सो यही मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हमेशा कर्ज करते रहते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए लाइफ में एंड वो दूसरे लोगों का भी माइंड वॉश करते रहते हैं। सो यहाँ पे मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग जॉब है एंड आप इसको कंसीडर करो कि दिस इज रियली रियली हाई पेइंग जॉब। अगर आप चाहोगे तो इस डोमेन में, अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो तो काफी ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। ये तो नहीं पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब ऐसी डोमेन है ना जहाँ पे आप एक सिंपल सा इंजीनियर से आप एक सीईओ तक बन सकते हो, लाइक इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। लेट्स से आप सिंपल इंजीनियर हो, कोई अच्छी कंपनी का 1 लाख पर मंथ आप कमा रहे हो, 2 साल के बाद वो 3 लाख पर मंथ हो जाएगा, 3 साल के बाद वो 6 लाख पर मंथ हो जाएगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो मैनेजर है डायरेक्टर है वो 12-13 लाख पर मंथ का अर्न करते हैं, पर मंथ का 12-13 लाख अर्न करते हैं। अब इस बात पे ना बहुत सारे मेरे कमेंट आने वाले हैं कि टैक्स लगता है, टैक्स लगता है, टैक्स लगता है। तो भाई साहब टैक्स लगता है मुझे पता है, लेकिन टैक्स लगने के बाद भी जो आपके पास पैसा आता है ना वो भी बहुत ज्यादा होता है। मैं बता रही हूँ, मैं कुछ ऐसे इंजीनियर को जानती हूँ जो आफ्टर 10 ईयर वो 10-12 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। अभी बैंगलोर में ऐसे एरिया में रहते हैं ना उन लोग के पास अपना डुप्लेक्स फ्लैट होता है, अपना बंगलो होता है, उसमें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल होता है, 3 लाख पर मंथ अपने फ्लैट के लिए बस रेंट देते हैं। इस लेवल का लाइफ स्टाइल वो जीते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक लगा था ये सब देख करके कि 3 लाख पर मंथ कोई बस एक फ्लैट का रेंट कैसे दे सकता है, लेकिन जिसका 12 लाख पर मंथ अर्निंग आ रहा है वो 3 लाख पर मंथ दे सकता है रेंट। सिमिलरली उन लोग के पास ऐसा, मैं अभी देख रही हूँ बैंगलोर में, मैं भी ऐसे एरिया में रहती हूँ ना जिसके जस्ट बगल में एक बहुत ही ज्यादा पॉस एरिया है, से देखा जाए तो जहाँ पे बहुत सारे रिच पर्सन सब रहते हैं, तो वहां पे हमेशा मैं देखती हूँ कि उस गेट से कभी बीएमडब्ल्यू निकल रही है, कभी मर्सिडीज निकल रही है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का लाइफ स्टाइल वो सब जीते हैं। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो एंड अगर आप मेहनत करते हो तो आप ऐसी हाइट पे पहुंच सकते हो जो हाइट आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे। सो इसीलिए मैं अगेन बोल रही हूँ कि किसी का माइंड वॉश मत करो, खुद डिमोटिवेट नहीं रहो एंड पढ़ाई करो। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि IIT से होनी चाहिए, NIT से होनी चाहिए तभी जा करके ऐसी जॉब लगती है। तो मैं लाइव एग्जांपल हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम IIT, आई एम नॉट फ्रॉम NIT एंड मैं अभी एक ऐसे सेक्टर में हूँ जहाँ पे मैं एक टाइम पे आकर के मैं बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ। अभी भी अगर देखा जाए तो मैं खुद का तारीफ नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो मैं एक ऐसे सेक्टर में हूँ जहाँ पे IIT एंड NIT के लोग भी आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केस में IIT या NIT के लोग ही होते हैं। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, दूसरे को भी डिमोटिवेट नहीं करना है, खुद पे वर्क करना है। अगर आप खुद पे वर्क करोगे तो एक टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा अच्छा हाइट को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगेन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड अगर आपको लग रहा है कि आप फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सकते हो, तो अभी इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप है जो कि आपको हेल्प करेगी आपका रिजल्ट को अचीव करने के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छी स्टार्टअप है जो कि लोगों को हेल्प करती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। अगर आप न्यूटन स्कूल का बैच ज्वाइन करते हो तो आपको
पे तभी करनी पड़ेगी जब आपकी प्लेसमेंट 5 लाख से अब की लग जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा न्यूटन स्कूल के न्यू बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके न्यूटन स्कूल का न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड एज यू ऑल नो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। सो होपफुली आपको पता चल गया होगा। इधर आप साइट का लिंक भी देख सकते हो, साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये जो साइट आप अभी साइट में देख रहे हो इस पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। सो होपफुली आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। एंड मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो तो प्लीज डिमोटिवेट नहीं हो। एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जिस टाइम में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगेन आई एम सेइंग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन को बहुत ही ज्यादा कवर कर ली हूँ। एक्चुअली मेरा हाफ ऑफ द वीडियो बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन पे ही डेडिकेटेड था। तो चलो मैं ना अभी एक नेक्स्ट बताती हूँ। मैं फर्स्ट बता दी थी मेडिकल सेक्टर, सेकेंड बता दी थी आईटी सेक्टर, एंड थर्ड क्या है, थर्ड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसी डोमेन है जहां पे आप एमबीए करने के बाद भी जा सकते हो, सीए करने के बाद जा सकते हो, इवन इंजीनियरिंग के बाद भी जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्वांट एंड एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जस्ट इंजीनियर को हायर करती है जिनका वर्क समहाउ सिमिलर टू होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर से। तो मैं बता रही हूँ थर्ड नंबर पे है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा अर्न करते हैं। यस, दिस इज ट्रू, बट इसको मैं थर्ड नंबर पे इसलिए डाली हूँ क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई पेइंग जॉब, लाइक अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे कि आपका हाई पेइंग जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें मैं सबसे आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही डालूंगी क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा जॉब है। सेकेंड नंबर पे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ले लो, मेडिकल ये सब ले लो, ये सब भी ले सकते हो क्योंकि मेडिकल में भी सीट्स कम होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा जॉब है। तो इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड हमारे जो व्यूअर्स है वो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंड द फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली मैं सबका नोट्स बना चुकी हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो लेट मी चेक कि फोर्थ में क्या है। सो या फोर्थ में है सीए। तो सीए भी काफी ज्यादा अर्न करते हैं, एंड मैं अभी इस लिस्ट में जो भी डाली हूं ना ये सब ऐसा डोमेन है जिसमें कि आप बहुत ही ज्यादा अर्न कर सकते हो। इसको मैं एक तरह से आप ये मत समझना कि इसको रैंकिंग के हिसाब से डाली हो, बट इसमें आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो। ये सब गोल्ड कॉलर जॉब है इसलिए मैं डाली हूँ यहाँ पे। तो अब ये सीए हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया, उसके बाद आती है एनालिस्ट, क्वांट प्रोफाइल ये सब की जो एनालिस्ट ये सब होती है ये सब में काफी ज्यादा अच्छा पे मिलती है। तो एनालिस्ट ये सब के लिए ना बहुत सारी कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी इसमें मैं बताऊंगी कि कॉलेज फोकस करती है, जैसे कि वो टॉप के आईआईटी में जाती है एंड कुछ पर्सन को जॉब देती है जहां पे उनको करोड़ों की सैलरी देती है इंडिया में। यस, इंडिया में मिलता है करोड़ों की सैलरी पर ईयर, नॉट पर मंथ। या सो इंडिया में आपको करोड़ों की सैलरी पर ईयर मिल सकती है अगर आप क्वांट प्रोफाइल में जाओगे और अगर आप टॉप के आईआईटी से हो, क्योंकि मैं 99.9% केस में देखी हूँ कि क्वांट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट कंपनी टॉप के आईआईटीज को ही प्रिफरेंस देती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ग्रेविटास या ग्रेविटॉन, आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। सो ये कंपनी जो है 1 करोड़ पर ईयर आईआईटीज में इस ईयर ही ऑफर की है जो कि टॉप की आईआईटी से, आई थिंक आईआईटी खड़गपुर था और आईआईटी दिल्ली था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो ये हो गई एनालिस्ट की प्रोफाइल, क्वांट एंड ये सब प्रोफाइल होती है ये सब के लिए हायर करती है ये प्रोफाइल है, इसमें भी बहुत अच्छा पे मिलता है। अगेन इसमें नंबर ऑफ जॉब कम है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो अगेन आपका प्रोबेबिलिटी हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही बनता है। एंड द लास्ट में बताना चाहती हूँ पायलट। यस, पायलट एक ऐसी जॉब है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब होगा एंड प्लस आपको काफी अच्छा पे भी मिलेगी, एंड ये भी एक गोल्ड कॉलर जॉब है। लेकिन पायलट की जॉब में बस एक प्रॉब्लम मुझे लगती है, यहाँ पे शिफ्ट ये सब होता है तो थोड़ा सा आपका वर्क लाइफ बैलेंस में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सके, लेकिन स्टिल दिस इज वेरी हाई पेइंग जॉब एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो में ईच एंड एवरी पॉइंट सब कुछ कवर कर ली हूँ। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अभी तक अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो